पूरे जीवन मैंने पानी की समस्याओं को झेला है। मुझे आज भी स्नान के लिए अपने घर से बाहर तालाबों में जाना पड़ता है, लेकिन मैं खुदकिस्मत हूँ कि मुझे पीने का स्वच्छ पानी मिल पाता है। पर हमारे क्षेत्र के मरगो मुंडा प्रखंड अंतर्गत एक गाँव है रामपुर, जहाँ के लोग स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे और वे लोग नदी के पानी को पीने को विवश हैं, जिस कारण उन्हें कई समस्याओं एवं बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमको भी देखने को मिला कि आपके गांव के महिलाएं नदी से पानी लेकर आ रही है, क्यों? महिलाएं इसलिए पानी लेकर आ रही है कि यहाँ पे एक चापा कल है और करीब करीब 500-600 आबादी है, तो एक चापा कल में पानी खुलता ही नहीं है। थोड़ा खुलता भी है तो ये पानी चापा कल वाला अच्छा लगता ही नहीं हम लोग को खाने पीने में, इसलिए नदी से लाने पड़ता है पानी। और चापाकल तो और यहाँ दिए करीब 8-10 तो चापाकल दिए थे, लेकिन यहाँ पे अंदर में इतना बड़ा चट्टान है कि धुआं ही धुआं उड़ता, पानी हरगिज नहीं निकलता है, सब चापाकल फेल हो गया। पानी की व्यवस्था थे चापाकल, लेकिन मैंने वो पनिया को काम नहीं है ना, भात पके ना दाल गले, मैंने बिल्कुल पिए के वास्ते हबे ना करी वो पनिया। नचार में नदी पानी पिया, डॉक्टरों मना करे नहीं पी, हमने नचार से पी लाइए, की कर दी हमने, सरकार के देवो यार नहीं दे, हमने पी लाइए नचार से, बीमार भी जाइए तैयो हमने पिए ले छोड़ा है पानी, की कर दी। आप लोग के गांव में कौन सा ऐसा व्यवस्था किया जाए जो कि आप लोग को शुद्ध पानी मिल सकता है? हम लोग के लिए एक जो है टैंकी होने से हम लोग को सप्लाई अच्छी तरह से मिल सकता है, तो वही अगर सरकार हम लोग को दे तो बहुत अच्छा होता, और नहीं तो ऐसे हम लोग के लिए हर वक्त पानी की किल्लत, पानी का किल्लत ही रहेगा। ग्रामीण ने समस्या को कई बार नेताओं के पास भी रखा, पर वे लोग इलेक्शन के समय आते हैं और आश्वासन एवं वादा करके चले जाते हैं, पर अब तक वो वादों को पूरा नहीं किया गया। मैं इन मुद्दों पर कार्य करता रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारा यह कार्य एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं मुकेश, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया अनफिट।